छोटू छोटू बेटा देखा तेरा बेटा, अरे स्कूल के नाम से उसके आंख पे काटा आ जाता काटा। छोटू तुमको तो हर काम की दही रहती हो। अरे स्कूल में जा रहा मैं, गोटे खेलने नहीं जा रहा। तैयार तो होना पड़ेगा ना। अरे इतने टाइम में तो दुल्हन तैयार होके शादी के मंडप में चली जाती शादी के लिए। अरे स्कूल में जा रहा, जंग पे नहीं जा रहा, इतनी तैयारी कर रहा तो जल्दी कर। क्या रे? अरे तैयार हो गया तो स्कूल चलना जल्दी से, ऐसा आराम से क्यों बैठ गया? बाबा क्या हो गया रे? अरे मेरा पैर टूट रहा है। मेरे सारे दुखने मुझे मालूम है। चुपचाप चल रहा है, तो चार लोगों को बुला के तेरे को टांगा टोली करके लेके जाओ। अरे बाबा समझो जरा, मेरे को दो नंबर लगी। अरे बेटे ज्यादा नाटक मत कर, स्कूल में ना दो नंबर भी रहता, वहाँ जाके कर रहा बेटा चल। अरे बाबा बहुत जोर से लगी, आता मैं दो मिनट में। अरे नहीं तो चड्डी में हो जाएगी। अच्छा चड्डी में हो जाएगी? तू ज्यादा नाटक कर मत, चल यहाँ से निकल। अरे मेरी बात तो सुनो बाबा। अरे ऐसे कहीं माँ बाप रहते क्या? अरे मेरी बात सुनो ना। अरे सुनो तो सही, अरे तो रुको तो सही। अरे आ रहा ना मैं। अरे तू सीधा स्कूल चला? अरे तो चला ना, तुझे खींच के लेके जा रहे क्या, चोरा करा के मुझे? अरे तू अगर सीधे से जाने वाला रहता तो मेरे को खींचातानी करनी नहीं पड़ती, देखो चल। अरे तो चलो ना। अरे नाटक मत। अबे माँ कुछ बोलती क्या तू? अरे ये बाप है जो दुश्मन है। अरे एक लौटा बेटा है ना मैं तुम्हारा। अरे मैं सही में तुम्हारा बेटा है जो किसी से मांग के लाए थे। अरे ऐसा दुश्मन चाले क्यों कर रहे मेरे साथ? अरे मेरी बात तो सुनो। बोलने के लायक का छोड़ता तू के एक दो चार, तू चल चुपचाप। अरे तुम मेरे बाप है जो दुश्मन है, अरे छोड़ो ना। अरे मेरे बाप बहुत तंग किया रे तूने मेरे को। बेटा छोटू oh no! तू अगर स्कूल चलेगा ना मैं तुझे कैडबरी दिलाऊंगा, फिर सारी खिलौने दिलाऊंगा, शाम को मेले में लेके जाऊंगा। क्या बात? अरे बच्चों से कोई झूठा बातें करते क्या? अरे रोज झूठा बातें करते, ये दिलाऊंगा वो दिलाऊंगा और शाम में भूल जाते। कर मत, चुपचाप स्कूल चले जा, मारूंगा। अजी क्यों मार रहे हो मेरे मासूम बच्चे को? तुमने कौन से तीर मार लिए पढ़ लिख कर? कंपनी में जाके झाड़ू तो मार रहे हो। अरे अनपढ़ औरत, तू तो अनपढ़ की अनपढ़ है ही, बच्चों को भी अनपढ़ बनाएगी क्या? तो मुझे कर, चल तू स्कूल में, तू चल स्कूल में। अरे चल 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 चल। अरे बाबा मैं तुमको बोल दे रहा आज स्कूल नहीं जाऊंगा, तो नहीं जाऊंगा। तू जीत कर मत, नहीं तो तेरे दोनों तंगड़ा तोड़ के तेरे हाथ में दे दूंगा। अरे बाबा सही बोल रहा मैं, अरे मेरा पेट बहुत दुख रहा। अरे बंद कर ये तेरे पुसांडे खेल, रोज तेरा कुछ ना कुछ दुखते रहता। अरे बाबा सही कह रहा मैं, और वहाँ की पढ़ाई भी बहुत बेहतर है। अरे मालूम है क्या बाबा तुमको? अरे पूरे गांव के लोग क्या एड़े है क्या कि डोनेशन भर भर के अपने बच्चों को स्कूल में भेज रहे? मेरे को कुछ नहीं मालूम, मेरे को स्कूल नहीं जाने का, तू नहीं जाने का। अरे तू स्कूल चल रहा है या तेरे को कंधे पे उठा के लेके जाऊं? क्या बच्चे के साथ दादागिरी कर रहे? बाप है तो बाप के जरिए रहना। मैं तेरे साथ है ना बाप के जैसे रहता, तू चुपचाप स्कूल चल, नहीं तो मेरे हाथ से है ना कुछ कम ज्यादा हो जाएगा। चल। ओह नो। या मेरा बाप रे बाप, आज सूरज किधर से निकल गया? इतना बुरा बुरा चाहेगा तू? अरे ऐसा क्या पूछ लिया रे मैंने तेको? तेरा क्या फूटे लेके रे? बिखरा नहीं क्या मेरे बाप के हाथ में स्कूल का बैग है? पूछ रहा स्कूल जा रहा है क्या? अरे क्या हो चीचा, जरा देखो ना कितना कड़ू कड़ू बोल रहा तुम्हारा अंडा। अरे जरा मुंह को लगाम देना, तो धू के कनपट्टी में तेरे बोलो से ऐसी बातें करते क्या क्यों रे? अरे तो बड़े है तो बड़े के जैसे रहना ना, ना। काय को किसी के फटे पजामे में पैर डाल रहे? अरे मेरा बाप रे बाप। अरे इतना सा है ना रे तू, और जबान का कैची कैसे चल रही तेरी, कचर कचर कचर। जानो ना पहलवान, तुम भी का इसके मुंह को लग रहे। तेरा थोड़ा बंद रखा करना, चल। जैसी मुंह जोर और निपत्तर औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। तू रस्ते में तू ऐसे लोगों से पंगे लेते रहेगा तो स्कूल कब पहुंचेंगे? अरे बाबा उससे तो कह रहा
घर को चलो। मेरी बात तो तुम्हारी खोपड़ी में घुसी नहीं रही। बोतल बंद कर और जल्दी जल्दी पैर उठा के चल। अरे बाबा पैर उठा लूंगा तो चलूंगा कैसे? बाप ले बाप, कहीं मैं थपना तो नहीं देख लो? नहीं यार, ये बात तो तय है। क्या ले तोतू? तू तुल डाला? अबे चुप रे तोतले, हाँ स्कूल जा रहा। तेरा बाप का क्या जा रहा? अरे मेरे बाप का कुछ नहीं डाला, आला बाला मकली का डाला। अरे तोतले मान और आवाज दे। क्या बात चल रहा? वो मान लेते तो ये हवा आती क्या? अबे जा रहे कसकल कुबड़ी है, मारी बाप बीमार और ये सामने खड़ा दिलीप कुमार। ओ चीता समझा दे तू मेरे माँ बाप तक डाले। चुप रहे हो लटके लाड़ी, ऐसे खींच लूंगा ना तो भागेगा बजरंग बाली। ये तो चीता समझा दो मेरी नाली के पिछले पल लाई है। समझा दे तू आए नहीं तो बात बिदल जाएंगी। चले चीते तुल निकल। चलो चीता के सगे तो भयंकर डगे, नहीं जाऊंगा स्कूल। क्या कर लेगा तू? क्या बोला? स्कूल नहीं जाएगा? अरे स्कूल तो तेरा बाप भी जाएगा रे। अरे तो बस तो तुम्हारे हाथ में है ना, जाओ तुम्हारे भतीजे के साथ स्कूल। हले हले अरे बोलो से ऐसी बातें कर दे क्या? दूं क्या तेरी बरगड़ी में? दूं निकल ले नंदू, नहीं तो होगा ये बाप बेटे में धंधू। मैं नंदू तब का बंदू। टिंग 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 टिंग। देखे ना बाबा कैसा बोचा करे लोग अपनों को। तुम अपने साथ साथ मेरी भी इज्जत का फालूदा कर रहे। ए, तेरे मुंह को कुलूप लगा और चल जल्दी से स्कूल में। देख बेटे पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, खेलेंगे कूदेंगे तो होगा खराब, पढ़ेगा तो बड़ा साहब बनेगा, नहीं तो जिंदगी भर मेरे जैसे झाड़ू। देख रहे बागुंडी, मैंने गलत नहीं बोला, तू पूछ ले इससे। क्या रे छोटू तू स्कूल जा रहा ना रे बाबू? तुम्हारी मजाक में जा रहा मैं। ए देवा रे देवा, ए भगवान, अरे ये क्या बोला रे बाबा तूने? ए छोटू मुंह संभाल के बात कर, मेरे बापू हो। ए लप्पन चप्पन नहीं बोलने का, समझा दे रही तेरे को? जाओ चप्पन चुरी खराब नहीं करने का इधर। क्या तेरा भेजा? नहीं तेरे बाप की इज्जत। देवा रे देवा, ये चल रहे बागुंडी, ये इज्जत खराब करने की बात कर रहा। Oh, no. ये चल रहे बागुंडी। रुको बापू, क्या रे छोटू, मेरे बापू ने तुझे स्कूल के बारे में ही पूछा ना, क्या तुझे गाली गलौज दी? अरे गाली क्या देंगे ये बुड्ढा, धोती फाड़ के रुमाल कर दूंगा। ये ताली काई की ताली? खाली पीली बात मत बढ़ा तू, खाली तुझे यही पूछा ना कि तू स्कूल जा रहा है कि नहीं ऐसा। अरे मैं स्कूल में जाऊँ कि झंडू में जाऊँ, ये पूछने वाला कौन है ये बुड्ढा? ये गलती हो गई रे मेरे बाप, तू नरक में जा कि तरक में जा, मेरे बाप का क्या? चल रे बागुंडे। बापू आज तो ये आपसे माफी मांगेगा। माफी? अरे माफी तो आज तक के मैंने मेरे बुड्ढे से नहीं मांगा, अब तू तेरे बापू से मांगने लगा रही। देखा अंकल इसकी बोलने की लाइन? लाइन वाली छोटू जा खड़े हो जाता ना, लाइन वहीं से शुरू हो जाती। हवाई बड़ी लाइन वाली जान दे बागुंडी, तेरे बाप से मैं माफी मांग लेता। बाबा मैं तुमको बोल दे रहा, अगर तुमने इसके बाप से माफी मांगे ना तो मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगा। जान दे रे बा, माफी एंड टाफी, तू सीधे इसको स्कूल लेके जा। अरे बाबा गुंडी अपन सीधे साधे लोग हैं। अरे बापू आप तो एड़ी हो, साधे लोगों का मुंह ना कुत्ते चाट के चले जाते। ए गुंडी कुत्ता किसको बोल रही हो? अब रुको रुक, वो वो चल बाबा गुंडी, मैं तो अपने को काट लेगा रे बाबा। अरे बेटा मैं तेरे हाथ जोड़ता, ये तेरा भू भू बंद कर। देख रहे ना बाबा अपन सीधा स्कूल जा रहे थे ना, लोगों कैसे उंगला कर रहे आप लोगों। लेकिन तू पहले मुझे ये बता, लोगों से ऐसी बात करते क्या? तो बाबा अपने बात करने का यही स्टाइल है। ऐसा ऐसी स्टाइल बता रहा मेरे को? अभी तुमने स्टाइल का देखे मेरी। अरे तेरा ऐसा ही रहेगा ना तो स्कूल जाते जाते तू खुद पिटेगा और मुझे भी पिटवाएगा। अरे छोटू हार गया रे, मैं हार गया, तेरे चक्कर में मेरी नौकरी छूट जाएगी। तेरा बस बुड्ढा तो पूर हो गया, फिर क्या? फिर आज स्कूल की छुट्टी, आज फिर 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 स्कूल की छुट्टी। ओए ओ ओए ओ अपनी टीचर अभी तक नहीं है यार। देख रे वो आ गया गांव का बारह भानगड़ी, जब मुंह खोलता झूठी बोलता। सही बोला पहलवान तूने,
सो युट्टे मार दे युट्टे पैदा वो ये रोज नवे नवे टुमके जोड़ता अपने आप को ना उत्तम कुमार समझता हूँ वो अरे बम तो अबे सही बोला पीठ पीछे मेरे बुराया कर रहे ने तू नहीं रे बा अबे बात तेरी कसम हम तो तेरी तारीफ कर रहे थे कह रहे बाबू बोल तो नहीं तो फिर क्या अरे छोटू हम क्या देखो इतनी कामे दिख रहे क्या जो तेरे बुराया करेंगे हम क्या रे सब क्लास के बाहर बैठे क्लास में बैठते कुछ पढ़ाई वढ़ाई करते ना पढ़ने का नाम मत ले पढ़ने के नाम से ना मेरे आंख में कांटे आते ये सब छोड़ रे एक बात बताओ तूने पठान देखी क्या नहीं देखी तूने एक काम कर अपना हाथ ना अपने दिल पे रख और ये पठान को देख तू पठान नहीं तू उल्लू का पट्टा है उल्लू का पट्टा कौन है ये बुजड़ी अरे लगते ना अपने स्कूल में पढ़ने आए ले वो ये फुलझड़ी नहीं ये एटम बम है एटम बम क्या रे चिचोरो लड़की देखी नहीं राल टपकाना शुरू वो क्या लगाई वो तूने वो गुच्चू बैठ अभी मैं उसका इंटरव्यू लेके आता किधर ए पहले ये बता तू कौन है अरे मैं हसीनों का आशिक अरे सब लड़कियां ना मेरे पे लाइन मारती अच्छा रुक जरा तुझे मैं चप्पल चप्पल से मारती मेरे बाप अबे छोटू बहुत चबरी दिख रही है यहाँ से निकल ले मैं तो ये तेरा पानी उतार देंगी क्या रे बाप ऐसा मुंह क्यों लटका के आया लगता उन्हें घास नहीं डाली हाँ घास नहीं डाली अबे मैंने मेरी है ना उससे सेटिंग करके आया अबे वो मेरे को बोल रही थी कि तुम बहुत हैंडसम है जानू हैंडसम बोली जानू बोली अरे हैंडसम बोली कि पानी कम चा बोली अबे चलो रे बहुत हो गया चलो अंदर क्या कर रहे थे यहाँ पे ये क्लासरूम है क्या डिस्को क्लब है स्कूल में लोग इंसान बनने आते और तुम लोग शैतानी कर रहे हो और ये कौन है इधर मुंह करके बैठा है मैडम ये छोटू है छोटू ए तुम कोई भी हो पलटो इधर ओहो तुम हो क्या नाम बताया था तुमने हाँ याद आया हसीनों का आशिक और तुम मेरा नाम पूछ रहा था ना कौन मैं अरे नहीं हो मैडम मैं क्या तुम्हारा नाम पूछ रहा था अरे मेरे को तो लगता ना मेरे जुड़वा भाई से मुलाकात हुई तुम्हारी जो भी हो तुम सुनो मेरा नाम सोनाक्षी है सोनाक्षी याद रहेगा ना मेरा नाम अरे मैडम पहचानता ना तुमको तुम वो अपने शत्रु भैया की बेटी है ना अरे सलमान भैया के साथ दबंग में काम करे ना तुमने अरे 10 बार पिक्चर देखा मैंने नहीं रे हाँ तो सुनो आज मेरा स्कूल का पहला दिन है तो सब शिकवे शिकायत खत्म करो और हाँ सब लोग एक एक करके अपना नाम बताओ अपुन का नाम वन एंड ओनली बोले तो एक ही चीज छोटू हीरो हीरालाल लोग प्यार से मेरे को छोटू बोलते क्या मैडम मेरा नाम मैं जब पैदा हुआ था ना तो पूरे महल्ले वाले बोल रहे थे ये बच्चा क्या पहलवान पैदा हुआ तो जब से मेरा नाम पहलवान पड़ गया मैं पवन कुमार लोग मुझे प्यार से पीके बोलते ओनली पीके कभी न चूके नाम तो अबू जर है लेकिन लोग मुझे अब्बू बाबा बोलते अब्बू बाबा अब्बू बाबा लेकिन तुमको जो बुलाने का तुम बुला सकते हो मैडम मेरा नाम है नटवर मैं नाता हूँ ना मेरी माँ ने मेरा नाम नटवर रख दिया और मैं नटवर से नट्टो हो गया मैडम मेरा नाम अन्नापूर्णा है लोग मुझे प्यार से अन्ना बोलते मैडम मेरा नाम है तेजस्वी घर वाले मुझे प्यार से तेजू तेजू बुलाते सही था नाम है मेरा कोई कभी प्यार से सारा बोलता तो कोई सारा अली खान बोलता मैडम मेरा नाम यूनुस है लोग मुझे घर घरे बोलते
वाह, सब एक से बढ़कर एक नमूने। बड़ी खुशी हुई मुझे तुम्हारे नाम सुनकर। मैडम मेरे को भी हुई। अरे लड़की रे, अबे खुशी तेरे पहलवान मेरी खिंचाई कर रहा ना, रुक जा बेटा, फिर बाद में बोलना मत। अभी पहलवान बोलता नहीं, पहलवान है ना सीधा धोबी पछा मारता। पहलवान चुप बैठ, लोगों की मजाक करता ना तू, तो मजाक सहन भी किया कर। हम ये धोबन धोबी को काय को बीच में ला रहे। अरे ये छोटू तो मेरा दिल है, कलेजी है, गुर्दा है। क्या बात छोटू, बता इसकी। आप लोगों का आपस में प्यार देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्यार को तकरार में बदलते देर नहीं लगती, इसलिए सावधानी बरतो। अरे हाँ सही बोले मैडम तुमने, अरे एकदम मेरी मुंह की बात चिल्ली। तो चलो मिलते हैं रिसेस के बाद। बाय मैडम। क्या यार अभी तक के मैडम नहीं आए, इतना बोर लग रहा। मैं क्या बोलता अपन लोग कोई गेम खेलते। हाँ जोड़ू सही बोला तूने, मैं ना तेरी आँखी पे पट्टी बांधता, तू जिसको पकड़ेगा उसको क्लास में उल्टा खड़े रहना पड़ेगा। बोल मंजूर है? मंजूर है। चल आ जा जोड़ू इधर। सब रेडी? ये सब क्या हो रहा है, क्या हो रहा है सब? धर्मशाला ये क्या बात है? दाल बात है। ऐसा तेरी बहुत जबान चलती कैची की तरह। अरे तुम लोग इंसान हो कि नहीं? नो मैडम। अरे ये क्या बात कर रहे? अरे हम सब क्या तुमको शैतान दिख रहे क्या? अच्छा बहुत होशियार बनता ना तू। चल मेरे एक सवाल का जवाब दे। चल बता अकबर बादशाह ने कहां से कहां तक हुकूमत की थी? अरे तुमको नहीं मालूम क्या मैडम? अरे अब भी बताता। अरे जलगांव से भुसावल तक की हुकूमत की थी। अबे बैठ, अली का भाला नहीं जानता और ज्यादा स्मार्ट बनता। ओ मैडम स्मार्ट बनता नहीं, स्मार्ट है सबसे पूछ लो नहीं तो। शट अप, चल बैठ जा। चल पहलवान ये बता कि दुनिया कैसी है? अरे मैडम दुनिया तो बहुत मतलबी है। सही बोला ना दोस्तों? वाह वाह वाह, क्या जवाब दिया। ओह नो, चल हाथ फैला के इधर आ। अरे ओ मैडम फकीर उकीर समझे क्या? अरे वाह अरे वाह, बोले हाथ फैला के आ गया। मैं ये पूछ रही दुनिया गोल है क्या चपटी है? अरे मैं बताता ना मैडम, अरे दुनिया एकदम चपटी है। अरे पीके पीके आए क्या मैडम? कुछ चपटी बोल रहा तू? मैडम तेको चपटी दिख रही है। अरे मैडम तो बहुत खूबसूरत है। अरे काले जामुन तेरा मुंह देख पहले। ये अबू, अरे इतना क्यों गरम खा रहा? मैं मैडम की बात नहीं कर रहा, अरे मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा। ए, सब खामोश हो जाओ, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। एक सवाल का जवाब सही से नहीं दे रहे तुम। ए तेजू तू बता हम पानी क्यों पीते? हम पानी इसलिए पीते क्योंकि खाना हजम हो जाए और जिस्म में पानी की कमी ना रहे। गुड नटवर, तू बता हम पानी क्यों पीते? अरे मैडम पानी को हम इसलिए पीते कि पानी को हम खा नहीं सकते। देखो हम सब यहाँ हंसी मजाक करने नहीं आए, तो प्लीज यहाँ कोई हंसेगा नहीं। अब ये बताओ अगर हम सोने को बाहर धूप में रखेंगे तो क्या होगा? ए अन्ना तू बता क्या होगा? क्या होता क्या होता? हमको नहीं मालूम जी। मैडम मैं बताती। हाँ वेरी गुड, तू बोल सही था। क्योंकि वो सोना चोरी हो जाएगा। एकदम सही बोला सही था, वो चोरी हो जाएगा। मैं समझ गई, तुम लोग ना सुधरोगे नहीं कभी। नहीं 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 नहीं, करो मस्ती करो, कोई बात नहीं करो मस्ती करो, सिर्फ दो मिनट मेरी बात ध्यान से सुन लो और उसके बाद खूब मस्ती करो, बहुत धमाल करो, तुमको कोई नहीं रोकेगा। बोलो मैडम क्या बात है? आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोग कितना भी हल्ला गुल्ला करे तो भी मैं नहीं रोकूंगी। आ गए ना मैडम लाइन पे,
मात्र इससे बोलते है समुंदर में रहेंगे ना, मगर मैं इससे पंगा नहीं लेने का। हाँ छोटू, मैं भूल गई थी, भगवान के लिए आप सब मुझे माफ कर दो। ओ मैडम, आप हम सब से क्यों माफी मांग रहे हो? वो इसलिए कि मैं ये स्कूल से जा रही हूँ, क्योंकि मैंने राजीनामा दे दिया है। है ना आप लोगों के लिए खुशखबरी। मैडम आप झूठ बोल रहे हो ना? अरे एक टीचर झूठ बोलेगी? अरे स्टूडेंट लोगों का उस पर से विश्वास उड़ जाएगा। मैं सच बोल रही हूँ। मैडम ये गलत बात है, आप ऐसा नहीं कर सकते, हम आपकी हर बात मानेंगे। मुझे स्कूल में आज पूरे 6 महीने हो गए, मैं आप लोगों को सुधारने और अच्छा इंसान बनाने की कोशिश कर रही हूँ, मगर शायद मेरे में ही कुछ कमी है। हार गए मैं आप लोगों से या फिर अपने आप से? अरे नहीं मैडम, ऐसा कहीं होता क्या? अरे अपने बच्चा समझ के माफ कर दो हमको। हाँ मैडम, पहलवान सही बोल रहा, एक टीचर है ना, माँ बाप के समान होता है। मैडम हमारी सब गलतियों को माफ कर दो, हम मानते हैं कि हमने तुम्हारी हर बात को सुनी अनसुनी की है। मैडम हम आपके हाथ जोड़ते, पैर पड़ते, तुम अपना राजीनामा वापस ले लो। सुनो, मैं मेरा राजीनामा दे चुकी हूँ, सिर्फ मंजूर होना बाकी है। मेरे प्यारो, मुझे आप लोगों से कोई शिकायत नहीं है। मैडम अब हम जैसी गलती नहीं होगी, अब हमको छोड़ के मत जाओ। अबे मत रोको मैडम को। ओ मैडम तुम जाओ यहाँ से, जाओ। अरे बहुत अच्छा फैसला करे तुमने, जाओ। ए छोटू अबे पागल हो गया क्या, मैडम को रोकने की बजाय भगा रहा, अपना झगड़ा हो जाएगा तो कुछ समझा दे रहा मैं। कसम सही में झगड़ा हो जाएगा, तू बहुत कमी ना छोटू। अबे गुस्सा बोले, अबे अगर ये मैडम यहाँ से गए ना तो इनको छोटू की लाश पे से जाना पड़ेगा। अरे मैडम माँ की कसम, अगर तुम ये स्कूल में से गए ना तो मैं फांसी पर लटक दूंगा, आत्महत्या कर लूंगा। अबे छोटू तू। हाय दोस्तों छोटू चला डंगरी स्कूल, ये वीडियो अच्छा लगा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने तमाम दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल छोटू की सुपर कॉमेडी को सब्सक्राइब कीजिए।